नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं दब लिंक। आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सीधा आएंगे मुद्दे पर। मुद्दा है जेएनयू, मुद्दा है जेएनयू में हुई हिंसा, मुद्दा है उस पर हो रही राजनीति। पिछले संडे यानी कि 5 जनवरी 2020 देर शाम कुछ अननोन नकाबपोश लोग, मतलब चेहरे पर मास्क लगाए हुए लोग, यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं और इसी के साथ देश में और दिल्ली में राजनीति गर्म हो जाती है। तो बिना अपना कीमती वक्त जाया करे चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं जेएनयू की पूरी कहानी, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद बात करेंगे राजनीति की। जेएनयू में काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स फीस वृद्धि यानी कि फीस हाइक के मामले को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स ने काफी बार एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा निकाला, मगर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। बाद में स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो अब सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी विरोध प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट का एक हिस्सा ये भी था कि स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण बहिष्कार कर रखा था, यानी कि वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे थे और साथ ही नए स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर नहीं करने दे रहे थे। इसका परिणाम यह आया कि जहां हर साल करीब 8000 बच्चे जेएनयू में रजिस्टर करते थे, वहीं इस साल केवल 600 बच्चे ही रजिस्टर कर पाए। इससे तंग होकर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विरोध कर रहे स्टूडेंट्स ने इसका भी तोड़ निकाला और यूनिवर्सिटी कैंपस में सर्वर रूम पर कब्जा करके इंटरनेट सेवा को भी बैन कर दिया, बाधित कर दिया। अब इसके आगे की कहानी जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेएनयू में दो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग और दूसरा दक्षिण पंथी यानी कि राइट विंग। ये जो विरोध था मुख्य रूप से लेफ्टिस्ट स्टूडेंट के द्वारा चल रहा था। रविवार यानी कि 5 जनवरी 2020 कल को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन होने की वजह से एबीवीपी के स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके विरोध में थे। इसी बात को लेकर दोनों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन पैदा हुई। इसी बीच रविवार को शाम में न्यूट्रल स्टूडेंट्स, आम स्टूडेंट्स विंटर सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे, मगर क्योंकि लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके विरोध में थे तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए धक्का मुक्की व मारपीट शुरू हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान शिक्षक, मतलब वहां के जो प्रोफेसर हैं, वो भी वही मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को आम स्टूडेंट से मारपीट करने से नहीं रोका। बस इसी बीच अचानक 40 से 50 युवकों की भीड़ चेहरे पर नकाब पहने, हाथों में लाठियां लेकर कैंपस के अंदर घुसी और स्टूडेंट से मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस भीड़ ने गर्ल्स हॉस्टल को भी नहीं छोड़ा, वहां जाकर शीशे तोड़े और छात्राओं से भी मारपीट की। इस मारपीट और तोड़फोड़ का नतीजा ये कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 23 स्टूडेंट गंभीर हालत में है, 12 स्टूडेंट के सिर पर गंभीर चोटें आई है। जेएनयू की एक महिला प्रोफेसर सुचित्रा सेन के सिर पर भी काफी चोटें आई है। सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 3 घायलों को भर्ती कराया गया है और 4 घायलों के हाथ में फ्रैक्चर भी है। और आपको पता है इस सबके बीच यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस क्या कर रही थी? कैंपस में 4 घंटों तक केओस का माहौल रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सामने तक नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जख्मी स्टूडेंट्स को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। इसके अलावा कैंपस को शांत करने के लिए पुलिस को कैंपस के अंदर आने तक नहीं दिया गया। अंदर हिंसा होती रही, स्टूडेंट्स पिटते रहे और पुलिस मुख्य गेट के बाहर खड़ी रही। करीब 9:15 बजे पुलिस को कैंपस के अंदर आने की अनुमति मिली। मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको कैसा लग रहा होगा, मगर धीरज धरिए, अभी आपको और सुनना है। इस सब के बाद एंट्री होती है हमारे लीडर्स की। आइए जानते हैं किस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। घटना पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, द ब्रूटल अटैक ऑन जेएनयू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बाय मास्क थग्स दैट हैज लेफ्ट मेनी सीरियसली इंजर्ड इज शॉकिंग। द फेसिस्ट यानी कि उग्र राष्ट्रवादी इन कंट्रोल ऑफ आवर नेशन आर अफ्रेड ऑफ द वॉइसेस ऑफ आवर ब्रेव स्टूडेंट्स। टुडेज वायलेंस इन जेएनयू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट फियर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत हिंसा को रोकने की अपील की और उन्होंने ये भी कहा कि हाउ विल द कंट्री प्रोग्रेस इफ आवर स्टूडेंट्स विल नॉट बी सेफ इनसाइड यूनिवर्सिटी कैंपस। मुझे इन सबके बीच एक बात समझ नहीं आती कि ये मिनिस्टर्स ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। अपोजिशन क्यों है इस देश में?
जब हर बार जनता को ही सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो अपोजिशन का काम क्या है। खैर, इसके बाद एक और ट्वीट है कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। वो कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की आखिर देश के युवाओं और स्टूडेंट से क्या दुश्मनी है। कभी फीस वृद्धि के नाम पर युवाओं की पिटाई, कभी संविधान पर हमले का विरोध हो तो स्टूडेंट्स की पिटाई, आज जवाहरलाल नेहरू में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है और वो भी सरकारी संरक्षण में। इसके साथ उन्होंने वीडियो भी ट्वीट की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की देश के युवाओं और छात्रों से भला क्या दुश्मनी है। कभी उन्हें फीस वृद्धि पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर पीटा जाता है, कभी उन्हें देश के संविधान को बचाने की मुहिम पर पीटा जाता है, और अब तो हद ही हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, लड़कियों के हॉस्टल्स के अंदर घुसकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा और छात्रों और अध्यापकों तक को पीटा जा रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है, गुंडे चरम सीमा पर नंगा नाच कर रहे हैं, कभी साबरमती हॉस्टल में, कभी पेरियार हॉस्टल में और कावेरी हॉस्टल में, और दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के नीचे आती है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। मोदी जी और अमित शाह जी, देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। गुंडों पर लगाम लगाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वरना देश के भविष्य का क्या होगा। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको जानना जरूरी थी, मगर अब इन माय ओपिनियन में आज मेरे कुछ सवाल हैं, जो सवाल आपको पूछना चाहिए अपनी सरकार से। पहला सवाल ये कि जेएनयू कैंपस में हर गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, ऐसे में हाथ में लाठी लिए युवक गेट के अंदर कैसे घुस गए। दूसरा सवाल, कैंपस में 4 घंटे तक के उसका माहौल रहा, ऐसे में सुरक्षा गार्ड ने उन युवकों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और पुलिस मुख्य गेट के बाहर क्यों खड़ी रही। और इससे भी बड़ा सवाल कि कौन थे ये लोग और क्या था इनका एजेंडा। देखिए दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, मगर एक काम जरूर करें, इस मामले में अफवाह को बढ़ावा ना दें। और इसी के साथ समय आ गया है मेरा आपसे विदा लेने का, तो बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।